क्या आपने कभी कोर्ट में केस लड़ते समय कोई ऐसा वकील किया जिसको नॉलेज कम हो? क्या आप कभी बीमार हुए हो और आप ऐसे एक डॉक्टर के पास गए हो जिसको नॉलेज कम हो? यदि नहीं तो क्यों हम रियल स्टेट में पूरी जिंदगी की पूंजी लगानी होती है, वहां हम ऐसे आदमी के पास चले जाते हैं जिसके पास नॉलेज कम होती है? दोस्तों, छोटे से छोटे काम को करने के लिए यदि हम मोची का काम भी लगाएं, मोची के काम को करने के लिए भी काम सीखने की जरूरत है। जहां रियल स्टेट में करोड़ों रुपए लगने होते हैं या ये कह लो पूरी जिंदगी की कमाई लगनी होती है, वहां पर हम एक्सपर्ट एडवाइस लेने से चूक जाते हैं क्योंकि हम एक्सपर्ट के पास नहीं जाते। तो फिर हमारा आश्चर्य ऐसा होता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे एक आदमी ने फेसबुक पे लाइव होकर अपने आप को गोली मारी। हम ऐसी सिचुएशन से यदि बचना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें काम सीख के करना पड़ेगा। रियल स्टेट सिखाने वाले बहुत मिल रहे हैं जो 300 रुपए में सिखा रहे हैं, 500 रुपए में सिखा रहे हैं। मैंने खुद उनको ज्वाइन करके देखा है, जब मैंने उनसे कोई सवाल किया कोई सवाल का जवाब ही नहीं देते। मेरे ट्रेनिंग में आके देखो, एनरोल करके देखो, जितने मर्जी सवाल आप करना, आपको हर सवाल का जवाब प्रैक्टिकली मिलेगा। क्योंकि रियल स्टेट एक ऐसा कारोबार है जो सिर्फ एक डील आपको करोड़पति से करोड़पति बना देती है, करोड़पति से रोडपति बना देती है, यदि हमारी वो डील कहीं गलत हो जाए। तो मेरे पास आके काम सीखो, यदि मेरी ट्रेनिंग आपको पसंद ना आए तो आप पूरे का पूरा पैसा हम मेरे से वापस ले सकते हो। तो रिस्क है नहीं, रिस्क जीरो, इनकम हीरो वाला फार्मूला सीधा साबित होने वाला है। जल्दी से एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द आपके साथ मिलने की तमन्ना लेके बैठा हूँ। थैंक यू।